जैसा कि आप लोगों को तो मालूम ही होगा, मैंने लास्ट टाइम एमएचओ ओलंपिया में पार्टिसिपेट किया था हांगकांग में, ये अपना लास्ट नवंबर 2015 में। तो वहाँ पे जो मैंने एक्सपेक्टेशन लेके गया था, जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने प्लान किया था, उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं आए और उस तरीके से मैं बोला जाए तो अपना बेस्ट नहीं दे पाया। तो जो वहाँ पे फेलियर हुआ मैं, और अभी यहाँ पे मैं 100% ये लास्ट 8 मंथ से मैंने उसके लिए प्रिपरेशन किया, और सारे के सारे जो भी जहाँ मुझे लगा कि इस पार्ट में मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या परफॉर्मेंस ऐसे करना चाहिए या प्रेजेंटेशन ऐसे करना चाहिए, तो सब कुछ मैंने जो रूल रेगुलेशन है अपने IFBB के उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे के सारे प्रिपरेशन किए, और मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ उसके लिए। और मैं एवरी डे काउंट कर रहा हूँ कि ये 21 अगस्त कब आए और मैं स्टेज पे जाके जो भी मैंने परफॉर्मेंस अपने जो भी मैंने स्टेज चाहिए जो भी मैंने प्लान बनाए वो अपना उस तरीके से शो करूँ स्टेज पे और दिखाऊं और जजेस को इम्प्रेस करूं और अपना बेस्ट दूं, और डेफिनेटली टाइटल जीत के मैं प्रो कार्ड के लिए क्वालिफाई हूँ। डिफ़िकल्टी की बात करोगे तो ये तो मेरे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए होगा जो कुछ सोच के इसमें आते हैं, जिनका कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। जो लोग सोचते हैं कि यार ये कंपटीशन जीतूंगा तो मुझे नेम होगा, मेरा फेम होगा, लोग मुझे ऐसे होंगे, ये पब्लिसिटी मिलेगी, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन मतलब वो लेके इस गेम के पीछे आते हैं। तो मेरा तो कुछ भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरा मतलब लाइफ का पर्पज़ ही यही है कि मुझे कॉम्पीट करना है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया का मतलब कैसे भी करके इंडिया को मेडल लेके आना है अपने कंट्री में, क्योंकि आज तक अभी तक कोई मतलब प्रो कार्ड होल्डर नहीं है। और अब और मैं सपने देख रहा हूँ कि होता है ओलंपिया मतलब जीतने की, तो बहुत ही बहुत बहुत बड़ी बहुत लंबी जर्नी है, और डेफिनेटली मैं थोड़ा टाइम लगेगा बट 100% आप जो मैं ये बोल रहा हूँ ये आपको करके दिखाऊँगा।
जैसा पहले भी आपको बताया कि मेरे लाइफ में एक पर्पस है और पर्पस यही है जिसके लिए मैं जी रहा हूँ या जिसके लिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे कोई काम हो गया या किसी से मिलना, कुछ भी कर रहा हूँ। तो मेरे लाइफ का बस एक ही पर्पस है कि मुझे ओलंपिया के स्टेज पे परफॉर्मेंस देना है, ओलंपिया कंपटीशन पार्टिसिपेट करना है, कैसे भी करना है। तो मेंटल मतलब प्रिपरेशन का तो कोई ऐसा कुछ डाउट ही नहीं, कुछ ऐसा सवाल ही नहीं कि मुझे मतलब प्रिपेयर होना है, क्योंकि मैं इसके लिए 10 साल से पहले से ही प्रिपेयर हूँ। मैं तो हर बार मतलब इतना प्रिपेयर हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे हाथ पाँव भी कट जाते हैं तो भी जो होता है मैं बॉडी बिल्डिंग ही करूँगा, ये कॉम्पीट ही करूँगा, भले से मुझे हैंडीकैप में खेलना पड़े। मगर मेरे लाइफ का यही पर्पज़ है, मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक सांसें ले रहा हूँ, तब तक मुझे कंपटीशन ही करना है। और उसको किस तरीके से मैं डे बाय डे अपने कंपटीशन के क्लोज होते जाऊँ, उसके लिए मैं क्या बेस्ट टू बेस्ट कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ करूँगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कितना भी निगेटिविटी होता है, कितना भी चीट होता है, कुछ भी होता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं हर बार प्रिपेयर हूँ कि मुझे अभी नहीं तो नेक्स्ट आफ्टर 5 ईयर्स के बाद, आफ्टर 6 ईयर के बाद, आफ्टर 10 ईयर के बाद, मैं डेफिनेटली जब तक अगर मैं गिव अप नहीं करूँगा, हार नहीं मानूंगा, तो वन डे एक दिन ऐसा होगा जब मैं ज़रूर विन होऊंगा और ज़रूर अपना सपना जो होता है वो सच होते हुए देख सकता हूँ। तो मैं तो बहुत पहले से इसके लिए प्रिपेयर हूँ। सिद्धांत जायसवाल, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, हम चाहते हैं कि आप इंडिया के लिए मेडल लेके आए। ऑल द बेस्ट एंड कीप रॉकिंग। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस सिद्धांत जायसवाल को। इज कम्पीटिंग फर्स्ट टाइम फॉर अर्नोल्ड क्लासिक और मैंने उनका हार्ड वर्क देखा है, जिस तरह से वो हार्ड वर्क करते हैं, यू नो, जिम में भी और बाहर भी जितना अपनी डाइट पे ध्यान देते हैं उतना ही वर्कआउट पर ध्यान देते हैं। सो शायद मेरे को ऐसा लगता है इस बार जो उनकी फॉर्म है, जिस तरह की वो टेक्निक अपनी फिजिक के साथ लेके जा रहे हैं, शायद वो विन करके जाए। सो बेस्ट विशेस फॉर सिद्धांत जायसवाल। थैंक्स। आई हैव नोन सिद्धांत फॉर द पास्ट 8 to 9 months एंड आई सी हिम स्ट्राइविंग रियली हार्ड टू गेट टू द पीक ऑफ हिज फिजिक एंड द टाइप ऑफ फिजिक दैट ही वांट्स टू अचीव एंड आई एम विशिंग हिम ऑल द बेस्ट फॉर द अर्नोल्ड क्लासिक टू बी हेल्ड इन हांगकांग ऑन द 21st ऑफ दिस मंथ एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर हिम to be the pride of the country and win the main award, the gold medal, and make us more proud. Thanks. Hi Siddhant, best of luck for your travel and all, everything. Hope you win the trophy and come. It's a great pleasure to meet you as a friend, as a bodybuilder, everything. You do perfect and guide me so well too. And best of luck, hope you get the trophies and all the future trophies you want to get in your life.